डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका गूगल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो कहाँ पे जाके उसके लिए आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, क्या आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्या आपका एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 लेटेस्ट आईटी ड्राइव, सैलरी आपको कितना मिलेगी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका, या फिर प्रैक्टिकल होना चाहिए, इक्विवेलेंट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यूनिक या लिनक्स विंडो, मतलब आपको मैकेनिकल लर्निंग इंफॉर्मेशन, तो आपका कंप्यूटर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन C++, जावा या पाइथन का, इसमें से इस प्रोग्रामिंग में से कोई भी आपको आना चाहिए इसमें से, और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका, विंडो का या फिर मैकेनिकल लर्निंग का, और इंफॉर्मेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, एनवायरनमेंट का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी चलेगा। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो क्या करना है आपको, रिसर्च डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर साइंस, आपको कंप्यूटर साइंस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी एंड ट्रिबल सूट प्लेटफॉर्म इशूज़, तो यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है वो आप अपना। यहाँ पे अब आपको स्किल्स देखनी है, स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए आपके, आईटी प्रोडक्शन सिस्टम, तो यहाँ पे ट्राइब कोड, गुड एनालिस्टिक, मल्टीपल डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी दी गई है, तो आपको अच्छे से बातचीत करने आना चाहिए, ट्राइबिक कोड आना चाहिए आपको। तो और आपका इंटरव्यू राउंड क्या होगा, इंटरव्यू से आपका वो सिलेक्शन होगा, यहाँ पर ऑनलाइन असाइनमेंट होगा, फिर उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट होगा, फिर टेक्निकल इंटरव्यू सेकंड होगा, मतलब आपको चार इसमें इंटरव्यू राउंड है, फिर HRI डिस्कशन होगा, तो पहले आपका ऑनलाइन असाइनमेंट देखा जाएगा, फिर आपको टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट होगा, फिर टेक्निकल इंटरव्यू सेकंड होगा, फिर HRI डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे आपको लोकेशन भी दिया गया है, तो जॉब लोकेशन है बेंगलुरु हैदराबाद में है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस परमानेंट है, सैलरी आपको 3.5 से 12.5 लाख पर ईयर। तो आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना है गूगल रिक्रूटमेंट ड्राइव अप्लाई लिंक, तो ये अप्लाई लिंक है आपका, तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2022 स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन पहले ही देख लिया है, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या PhD, अबाउट द जॉब्स के बारे में बताया गया है आपको, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आपको वो भी बता दी गई है यहाँ पे। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करना है आपको, तो पहले आपको अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है, फिर आपका आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2022 स्टार्ट, तो आपको यहाँ पे अपना रिज्यूम यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, अपना नाम, एड्रेस, कंट्री का नाम, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, उसको फिल कर लेना है आपको। तो और यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन, तो आपको अपना स्कूल का नाम, डिग्री स्टेटस, एरिया ऑफ स्टडी आपने कहाँ स्टडी की है, कंट्री कौन सी थी वो, वर्क एक्सपीरियंस आपको अपना फिल कर लेना है, तो एम्प्लॉयर नेम, जॉब टाइटल नेम, स्टार्ट डेट आपने कब किया था वहाँ वो, और कंट्री कौन सी थी वो, स्टेट कौन सा था, सिटी कौन सा था, और यहाँ पे आपको सब कुछ लोकेशन सब कुछ दे देना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस आएंगे, तो उसको ऐसे ही फिल कर लेना है आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।